या देवी श्रियाय माताजी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र भाई चौधरी सरथुर, डायरेक्टर ब्यूटीफुल ग्रुप मुंबई। पिछले एपिसोड में आपने देखा, एक दिन माताजी ने माधव से कहा कि वर्षा अच्छी हुई है, तुम खेतों में जाकर बुआई शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना और बीज लेकर खेत में आती हूँ। मातेश्वरी, ये लो धान। किसानों को अपने हलों से बुआई करते करते दोपहर हो जाती है, लेकिन बीज कम नहीं होता, बीज बढ़ते ही जाते हैं। माता जी की इस लीला को देखकर किसान भी हैरान रह जाते हैं। काका जी, हम तो 3 लोग हैं और रोटी सिर्फ 5, पेट कैसे भरेगा? माता जी जो भी देंगी प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर देंगे। माता जी सिर्फ 5 रोटियां ही लेकर आती हैं। किसान भरपेट रोटी खाते हैं, लेकिन माता जी जितनी रोटी लेकर पधारी थी उतनी रोटी ज्यों की त्यों बनी रहती है, कम नहीं होती। यह माता जी की ही लीला थी। समय अपनी गति से चलता रहा, बीतता गया।
मानव कल्याण के लिए माता जी ने अपनी दैवीय शक्ति से कई चमत्कार किए और आई पंथ के बारे में समझाते हुए लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही। माता जी के प्रति जनमानस की श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। अब देखिए आगे। आई माता जी कई वर्षों तक बिलाड़ा नगर में रहकर आसपास के गांवों में घूम घूम कर आई पंथ धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जीवन कल्याण के पथ पर चलने का मार्ग बताती रही। प्यारो लागे आई माता जी रो नाम, प्यारो लागे आई माता जी रो नाम। उन्होंने कई अनुयायियों को डोरा बंद बनाते हुए धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उस दौर के कई राजा महाराजा भी आई माता जी के परम भक्त बने। माता जी ने अपनी दैवीय शक्ति और भक्ति से कई अधर्मियों का विनाश व अनेकों भक्तों का कल्याण किया। समय के साथ साथ माता जी के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। आई माता जी ने संवत 1557 माघ सूद बीज शनिवार को अपने परम शिष्य माधव के सुपुत्र गोविंद दास को आई पंथ के डोरा बंदों की उपस्थिति में अपने हाथों से राज तिलक करते हुए उन्हें दीवान पद की उपाधि सौंपी और कहा कि इन्हें मेरा ही स्वरूप मानना और जो इस गद्दी पर बैठे उनके बताए मार्ग पर ही चलना। लोग माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए दीवान गोविंद दास जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। गोविंद दास जी ने भी माता जी के बताए सदमार्ग पर चलते हुए आई पंथ धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और उन्होंने डोरा बंद अनुयायियों को बनाया। संवत 1561 चैत्र सुदी बीज शनिवार के दिन माता जी ने अपने डोरा बंदों को बुलाया और भक्ति में मौन सी हो गईं। भक्त माता जी को ऐसा देखकर अचरज में पड़ गए। हे जगदम्बा, हे जोगमाया, आपके अद्भुत चमत्कार के समक्ष हम सभी नतमस्तक हैं। आपको यूं मौन में बैठा देखकर हमें घोर आश्चर्य हो रहा है। कृपया मौन से बाहर आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ मातेश्वरी, अपने मौन से निकलिए, हम सभी आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं माँ। हाँ, हाँ। हाँ। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी को सफल जीवन का सूत्र बता रही हूँ। जी माँ। जी माँ। इन्हें तुम अपने जीवन का नियम बना लेना। जो मेरे नियमों का पालन करेगा वो मेरा अनन्य भक्त होगा और मैं उसके साथ सदैव रहूंगी। पहला नियम, कभी भी झूठ मत बोलना। दूसरा, शराब, मांस, अफीम जैसी अपवित्र वस्तुओं से दूर रहना। तीसरा, जीवन में कभी भी ब्याज पर ऋण मत लेना। चौथा, कभी भी जुआ मत खेलना। पांचवा, समर्पण और निष्ठा भाव से माता पिता की सेवा करना। छठा, घर आए मेहमान का स्वागत करना। सातवां, साधु संतों और गुरुओं की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। आठवां, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के नाम पर अवश्य निकालना। नौवां, पराई स्त्री को माँ बहन के समान समझना। दसवां, रुपया पैसा लेकर बेटी की शादी मत करना। ग्यारहवां, कभी किसी की आत्मा को कष्ट मत पहुंचाना।
तुम सभी इन नियमों का पालन करना। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले मानवों को ये बातें छोटी लगेगी, लेकिन यही नियम जीवन को सुखी बनाने के मूल सूत्र हैं। मेरी वेल बांधे रखना, आई पंत के बताए मेरे 11 नियमों का पालन करना और मेरा ध्यान करना। प्रणाम माता। तुम पर कभी भी विपत्ति नहीं आएगी और मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। आई माता की जय। आई माता की जय। आई माता की जय। आई माता की जय। इस भूमि पर मैं जिस कार्य के लिए आई हूँ वो मुझे पूर्ण होते हुए दिख रहा। समय किसी के लिए रुकता नहीं और ना ही किसी की प्रतीक्षा करता है। समय के चक्र में सभी बंधे हुए हैं। जिस प्रकार पौधे में फूल खिलकर पूरे वातावरण को सुगंधित करता है, परंतु समय आने पर एक दिन वो मुरझा कर उस डाली से अलग हो जाता है। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं मातेश्वरी। मैं 7 दिन तक साधना के लिए एकांत में जाना चाहती हूँ। क्या कह रही है माता? मुंबई के नंबर 1 ब्यूटीफुल स्टोर में आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, मेकअप सेट, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी पहचान। ब्यूटीफुल स्टोर, खार, सांता क्रूज, अंधेरी, माटुंगा। श्री नरेंद्र भाई चौधरी, सरथुर। क्या कह रही है माता? तुम लोग 7 दिन तक इस कोठरी को मत खोलना। जो आज्ञा माँ। जो आज्ञा माँ। अगर कभी आप सबको मेरी याद आए तो मेरी जगह इनकी पूजा करना। मातेश्वरी, हम सबका कल्याण करो, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। हाँ। माता जी ने कहा कि मैं 7 दिनों तक एकांत में इस कोठड़ी में बैठकर ईश्वर की भक्ति करना चाहती हूँ। आप लोग 7 दिन तक इस कोठड़ी के दरवाजे को मत खोलना। आई माता की जय। 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 आई माता की जय।
और आखिर पांचवें दिन भक्तों के धैर्य ने जवाब दे दिया। कोई कहने लगा, शायद माताजी हमसे नाराज हैं। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि माताजी ने समाधि ले ली होगी। सभी मिलकर दीवान साहब से किवाड़ खोलने का दबाव डालने लगे। माताजी ने एक बात कही है कि जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, आप जिद मत कीजिए। मेरी आपसे विनती है, आप जिद मत कीजिए, आप भी मत कीजिए और आप भी मत कीजिए। मेरे हाथ की बात नहीं है, आप समझिए। हमें माता जी के दर्शन करने हैं, आपको दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। माता जी पिछले 5 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, आप दरवाजा खोलिए। लेकिन एक बात समझिए, माता जी ने जो आदेश किया है उसके पहले अगर दरवाजा खुलता है कोई भी विघ्न आ सकता है। बिल्कुल गलत है, ये सब हो नहीं सकता। दीवान साहब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। गोविंद दास जी के लाख मनाने की कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं माने। आखिरकार लोगों के हठ की वजह से गोविंद दास जी ने 5वें दिन ही किवाड़ खोल दिया। आप सभी की अगर यही इच्छा है चलिए उठिए, तो मैं दरवाजा खोलता हूँ। चलो चलिए उठिए, चलिए उठिए, खोलिए खोलिए। जैसे ही द्वार खोले गए वहां पर एक प्रज्वलित ज्योत, माता जी की मोजड़ी और 5 नारियल ही मिले। अंदर का नजारा देखकर सब लोग चौंक गए, माता जी तो वहां थी ही नहीं। माता जी अलोप हो चुकी थी, अखंड ज्योति में विलीन हो गई थी। जिस गद्दी पर आई माता जी विराजमान हुई थी उस स्थान पर एक अखंड ज्योति, भगवा चोला, माताजी की मोजड़ी, माला और 5 नारियल मिले। यह माताजी की लीला ही थी जिसे कोई नहीं पहचान पाया। ऐसा अलौकिक अवतार इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। यह सिर्फ आई माताजी का ही दिव्य अवतार था जिसने ना तो किसी कोख में जन्म लिया और ना ही उनकी मृत्यु हुई। ऐसा दिव्य अवतार पहली बार हुआ है जिसका साक्षात प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलता है। अगले एपिसोड में देखिए, जिस स्थान पर आई माताजी अपनी दैवीय शक्ति से अखंड ज्योति में विलीन हुई, वो स्थान जहां आज भी मौजूद है माताजी की वो मोजड़ी, वो 5 नारियल, वो अखंड ज्योति, जो आज है आई माताजी के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बिलाड़ा आई माताजी धाम। तो देखते रहिए आई माताजी के जीवन चरित्र पर आधारित पहला हिंदी वेब सीरीज श्री आई मातारो दरबार, हर रविवार शाम 7 बजे मंगल मीडिया चैनल पर।